हमने पहले ही आपको कहा है कि हमें अब कोई दुविधा नहीं है इसमें। एक बहुत बड़े ज्ञानी ने एक बात कही थी जिनका नाम चाणक्य है, आप लोगों को मालूम होगा। जीवन और जीविका के द्वंद्व में अगर आपको चुनना है तो जीवन को चुनिए, जीवन रहेगा तभी आगे जीविका बढ़ेगी। इस पर हमारी पूरी नजर है और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं और इस पर हमारा नज़र है, पूरा डिपार्टमेंट इस चीज़ों को देख रहा है और मूल्यांकन भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था से पूरा देश का ही अर्थव्यवस्था सुधर जाए। और केंद्र सरकार को आज के दिन में राज्य सरकार जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर तरीके से अगर कमजोर हैं, उन राज्यों पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्यों को मदद करनी चाहिए। आज हमने मांग किया, कल हमारे केंद्र से ग्रामीण विकास सचिव भी आए थे, हमने उनसे ये बातें रखी है कि मनरेगा में मैंडेट बढ़ाए जाएं, वेजेस बढ़ाए जाएं और हम लोगों को इस संक्रमण से, इस बीमारी से निजात दिलाकर रोजगार की दिशा में आगे ले जा सकें। देखिए, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का संदर्भ में जो बात आई है, आपने देखा है लगातार मजदूर आ रहे हैं और कल परसों भी आएंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों से थोड़ा मतलब समय देकर उनसे बातें करें तो इसके अंदर कई खामियां रही हैं पूर्व में और आज से नहीं बरसों से ये लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से दूसरे राज्यों में जा करके जोखिम भरा काम करते रहे। आज क्योंकि इस राज्य में मजदूरों की संख्या अधिक है तो एक मजदूर की कस्टोडियन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि इनको ऑर्गेनाइज तरीके से रोजगार की दिशा में आगे जाने की इजाज़त दी जाए, कहीं पर भी हो मजदूर सुरक्षित रहें, उनको उसका अधिकार मिले। सरकार को यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। आज इसको लेकर एक ऑर्गेनाइज वे में एक बड़े पैमाने पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भारत सरकार के निर्देशानुसार उन संस्थाओं में भेजने की हमने सहमति जताई है और मुझे लगता है इससे हमारे इस राज्य से जाने वाले मजदूरों की जान माल की भी रक्षा होगी, उनको वाजिब मजदूरी भी मिलेगी और जीने का गारंटी भी उनको मिलेगी। देखिए, विगत समय में जिस तरीके से ये राज्य को दिशा देने का प्रयास हुआ है, मुझे लगता है कि दिशा तो दे नहीं पाए लेकिन
राज्य जरूर दिशाहीन हो चुका था। आज क्योंकि राज्य को एक दिशा देने का समय आ गया है और एक दिशा दी भी जा रही है, और ऐसे स्थिति में बहुत सारे अटकलें, बहुत सारे बीच में रुकावटें हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे और भी कोई कारण हो, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे अब जब खेत में हल चलेगा तो पत्थर गिट्टी तो ऊपर आएगा ही, नीचे होगा ही, तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी और समय चरणबद्ध तरीके से आप देखेंगे, और इन आने वाले समय में राज्य के लिए एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था भी खड़ा हो किया जाएगा।